हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन अकाउंटिंग साइकिल? अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है? अकाउंटिंग साइकिल रेफर्स होती है टू द सीरीज ऑफ स्टेप्स और प्रोसेस को जो दैट ए बिजनेस फॉलो टू रिकॉर्ड, एनालाइज एंड रिपोर्ट इट्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। जो बिजनेस जो है फॉलो करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को फॉर ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, उसी चीज़ को अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। ये जो है एनकम्पासिस करती है ऑल द एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व होती हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रॉम इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन से लेके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट तक, इसी चीज़ को अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। अकाउंटिंग साइकिल में जो है टिपिकली कंसिस्ट होते हैं फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1 है हमारा आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई करा जाता है ट्रांजेक्शन को। द अकाउंटिंग साइकिल बिगिन विद आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट अकर ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। जो अकाउंटिंग साइकिल होती है बिगिन होती है और आइडेंटिफाई होती है और एनालाइज होती है सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो करे गए होते हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ट्रांजेक्शन में इंक्लूड होता है सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और साथ ही साथ अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो अफेक्ट डालती हैं बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पर। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। जब ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं उसके बाद उनको रिकॉर्ड करा जाता है कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड में यूज कर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का। हर एक ट्रांजेक्शन जो है अफेक्ट डालता है एटलीस्ट 2 अकाउंट्स पर, विद 1 अकाउंट डेबिट एंड अदर क्रेडिट, जिससे कि मेंटेन हो सके अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। नेक्स्ट स्टेप आता है पोस्टिंग टू लेजर। आफ्टर रिकॉर्ड करने के बाद में ट्रांजेक्शन जनरल में ये जो है पोस्ट करे जाते हैं टू द अप्रोप्रिएट अकाउंट इन द जनरल लेजर। जनरल लेजर कंटेन करता है इंडिविजुअल अकाउंट हर एक एसेट, लिक्विडिटी, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस कैटेगरीज के। एडजस्टिंग एंट्रीज, लास्ट में जो है एंट्रीज को एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एडजस्ट करा जाता है। एंट्रीज को आर मेड टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अदर टू द मैचिंग प्रिंसिपल। जो हमारे रूल्स रेगुलेशन उन सभी को फॉलो करता है या नहीं ये सभी देखा जाता है, एडजस्ट करा जाता है। कोई भी हमें जो है चेंज करना होता है इसमें इंक्लूड होता है रिकॉर्डिंग एक्रुअल एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, अनअर्न रेवेन्यू, एक्यूर्ड रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन और अदर एडजस्टिंग आइटम्स। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब सभी एडजस्टिंग एंट्रीज जो है हमारी कर ली जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करा जाता है। प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होता है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये सभी जो स्टेटमेंट है प्रोवाइड कराते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, साथ ही साथ फाइनेंशियल पोजिशन, कैश फ्लो और चेंज इन इक्विटी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। क्लोजिंग एंट्रीज, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, जब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया जाता है उसके बाद में जो है टेम्प्रेरी अकाउंट सच एज जैसे कि रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और डिविडेंट अकाउंट जो है ये क्लोज कर दिए जाते हैं टू जीरो बैलेंस टू प्रिपेयर द अकाउंट फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, जिससे कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए अकाउंट हमारा रेडी हो रिकॉर्ड करने के लिए। क्लोजिंग एंट्रीज ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट विल बी रिटेन्ड अर्न और ओनर्स इक्विटी अकाउंट। पोस्ट क्लोजिंग ट्राई बैलेंस, आफ्टर क्लोजिंग एंट्रीज आर मेड ए पोस्ट क्लोजिंग ट्राई बैलेंस इज प्रिपेयर टू इंश्योर दैट ऑल टेम्प्रेरी अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड प्रॉपर, कि जो हमारे टेम्प्रेरी अकाउंट थे वो सही से हमारे क्लोज कर लिए गए हैं या नहीं ये सभी जो है वेरीफाई करा जाता है। दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन इन बैलेंस। पोस्ट क्लोजिंग ट्राई बैलेंस में इंक्लूड होता है परमानेंट अकाउंट्स जैसे कि एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी अकाउंट। रिवर्सिंग एंट्रीज, कुछ केसेस में रिवर्सिंग एंट्रीज में जो है मे बी मेड एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग प्रोसेस एंड फैसिलिटेट एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रिवर्सिंग एंट्रीज जो है टिपिकली यूज करी जाती है फॉर एक्रुअल और
डेफरस मेड इन द प्रीवियस पीरियड। तो ये था अकाउंटिंग साइकिल के बारे में जो हमने डिस्कस करा आज के इस वीडियो में। इस सीरीज में हमारी 19 वीडियोज हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। और भी सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज साथ ही साथ कंप्लीट रिवीजन हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अवेलेबल है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंट्रेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद हर्षित पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, एक बार आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच।